अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, हब डैम से मुतल्लिक ताज़ा तरीन अपडेट अपने दोस्तों के साथ शेयर कर रहे हैं कि हब डैम किसी भी लम्हे कराची के शहरियों के लिए परेशानी का बायस बन सकता है। हब डैम मुकम्मल तौर पर भरा हुआ है, 339 फीट तक पानी की सतह बुलंद है और ये सूरत हाल गुज़िश्ता कई दिनों से जारी है और स्पिलवे से पानी का अखराज भी हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद हब डैम ओवरफ्लो है और उसके मुख्तलिफ किनारों से पानी का अखराज भी हो रहा है, जो किसी भी लम्हे किसी बड़े साने का सबब बन सकता है। क्योंकि इससे पहले हमने थड्डू डैम से मुतल्लिक भी अपने नाजरीन को बताया कि थड्डू डैम टूटने के बाद कराची के मुख्तलिफ इलाकों में पानी दाखिल हो गया था, तो हब डैम से मुतल्लिक ये ताज़ा तरीन अपडेट है और हम कराची की इंतज़ामिया से ये मुतालबा करते हैं कि हब डैम से खारिज होने वाले इस पानी को ज़ाया होने से बचाए और कराची की आवाम को फौरी तौर पर बड़े पैमाने पर पानी की फ्री सप्लाई का सिलसिला शुरू किया जाना चाहिए, क्योंकि कराची के अंदर शहरियों को पानी के लिए 3 से 4 हज़ार रुपये फी टैंकर अदा करने पड़ते हैं, जिससे उनके लिए बहुत ज़्यादा मसाइल हैं। और हमारी पिछली वीडियो पर भी दोस्तों ने यही बात लिखी अपने कमेंट सेक्शन में जाकर के उन्हें पानी के लिए पैसे अदा करना पड़ते हैं। तो मेरे ख्याल में हब डैम की जो हालिया सूरत हाल है, अगर यहाँ से पानी को फौरी तौर पर शहरियों की सप्लाई के लिए शुरू कर दिया जाए तो हब डैम न सिर्फ किसी खतरे से बच जाएगा बल्कि शहरियों को भी उनका जो दरीना मसला है वो हल हो सकेगा।